मैडम तलाश जान बायोग्राफी। दोस्तों, इस बला की खूबसूरत मोहतरमा को देखिए, जिनकी खूबसूरती के आगे करीना कैटरीना सब फेल हैं। नाक नक्शे से लेकर आंखों तक हर एक चीज बेहद ही खूबसूरत है। और आजकल हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और दुबई तक के मर्द लगातार गूगल पर इनका नाम सर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इनको शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया है, पर अफसोस कोई चाहकर भी इन्हें अपना बना नहीं सकता, क्योंकि इनकी जिंदगी बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग है। बचपन से लेकर जवानी तक एक लड़की की तरह जिंदगी जीने वाली इन मोहतरमा को देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये कभी लड़का हुआ करती थीं। दोस्तों, जिन मोहतरमा को आप अभी देख रहे हैं, इनका नाम तलाश जान है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर है। जी हाँ, ये किन्नर है जिनकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए अपने फेवरेट चैनल ब्राइट गान के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। दोस्तों, किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसे लोग बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। हर कोई इनके अस्तित्व से दूरी बनाकर रखना पसंद करता है। किसी को भी ये नहीं पसंद कि कोई उन्हें किन्नर कहे, क्योंकि लोग इसे गाली की तरह लेते हैं। लेकिन जो लोग सच में किन्नर होते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा है कि उन्हें अपने लिए हिजड़ा शब्द सुनकर कैसा लगता है? उन्हें कैसा महसूस होता है जब लोग उनसे दूरी बनाते हैं? और ये जिनके भी करीब जाएं, लोग इन्हें दुत्कार देते हैं, कोई भी इनको पसंद नहीं करता। लोग जितना हो सके उतना किन्नरों से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी किन्नर है जिसे कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता? अरे नजरअंदाज तो छोड़िए, लोग बढ़ चढ़कर इनकी तरफ दिलचस्पी लेते हैं और हर मर्द इनसे एक ना एक बार मिलना चाहता है, क्योंकि इंटरनेट पर सेंसेशन बनकर तहलका मचाने वाली ये पाकिस्तानी किन्नर दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, इनका नाम है तलाश जान और दुनिया इन्हें मैडम तलाश जान के नाम से पुकारती है, जो देखने में तो वाकई किसी हुस्न की परी की तरह लगती हैं। लेकिन दोस्तों, ये ना ही कोई महिला है और ना ही कोई पुरुष, असल में ये किन्नर है जिन्हें लोग हिजड़ा कहकर भी बुलाते हैं। वैसे तो ये शब्द बोलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अधिकतर इन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। पर दोस्तों, मैडम तलाश जान आज जैसी दिखती हैं, ये जन्म से पहले बिल्कुल भी वैसी नहीं थीं। पाकिस्तान में जन्मे इस किन्नर के परिवार वाले ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये किन्नर हैं, बल्कि इन्हें एक लड़के की तरह पाला पोसा गया। इनकी पैदाइश से लेकर 12वीं कक्षा तक ये पूरी तरह से लड़के की वेशभूषा में रहती थी, और अगर कभी इनके अंदर का किन्नर इन्हें सजने सवरने या फिर लटके झटके दिखाने के लिए कहता तो इनके पिता उस चीज के सख्त खिलाफ थे। वैसे तो इनके माँ बाप को ये बात पता थी कि उनका बेटा किन्नर है, लेकिन बिरादरी के डर से उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी और इस बात को नकार देने में ही अपनी भलाई समझी। पर वे भूल गए कि जिस बिरादरी के डर से वो अपने बेटे की खुशियों को दबा रहे हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। असल में दोस्तों, जब मैडम तलाश जान ने 12वीं कक्षा पास कर ली, तब किन्नरों के समुदाय को इनके बारे में पता चला। किन्नरों का समुदाय इनके घर पहुंचा ताकि इन्हें अपने समुदाय में वो लोग शामिल करा सकें। लेकिन मैडम तलाश जान के माता पिता ने किन्नरों को साफ मना कर दिया और बोला कि यहाँ कोई किन्नर नहीं है, हमारा बेटा है। हालांकि बाद में इनके परिवार वाले इन्हें किन्नरों के समुदाय को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में रहकर मैडम तलाश जान ने मौत के कुएं में काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, वही मौत का कुआ जो अक्सर मीना बाजार में लगता है, जिसमें जान का खतरा होता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग उस खतरे को भी मोल ले लेते हैं। हालांकि जब ये मौत के कुएं में काम कर रही थी, तभी इनकी खूबसूरती को देखकर एक व्यक्ति ने इनकी तस्वीर खींची और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। बस फिर क्या था, यहीं से वायरल हो गई और लोग धड़ाधड़ इनकी खूबसूरती के कायल हो गए और इनकी तस्वीरों को शेयर करने लगे। रातों रात ये सोशल मीडिया स्टार बन गई। इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी लोग इनको इतना पसंद कैसे कर रहे थे। इनके इतने ज्यादा चाहने वाले हो गए थे कि अब ये मौत के कुएं में काम नहीं कर पाती थी, इसलिए इन्होंने शादियों में नाचना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि बला की खूबसूरत इस तरह की किन्नर अगर किसी की भी शादी में नाचेगी तो चर्चाएं तो होंगी। लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियोस बनाने लगे और इंटरनेट पर डालने लगे, जिससे लोग खूब पैसे भी कमाते थे। तभी मैडम तलाश जान को लगा कि जब लोग मेरे हुनर से पैसा कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए उन्होंने भी वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर डालनी शुरू कर दी, जो देखते देखते वायरल होती चली गईं, जिस वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत और दुबई जैसी जगहों पर भी इनके चाहने वाले बढ़ने लगे। और अब तो आलम ये हो गया कि इन्हें इंटरनेशनल तौर पर शादियों के लिए निमंत्रण आते हैं, ताकि ये अपनी उपस्थिति दिखाएं और समा रंगीन कर दें। वैसे आपको बता दूं कि मैडम तलाश जान तो खूबसूरत हैं ही, और इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी किन्नर हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। पर दोस्तों, कितने दुर्भाग्य की बात है ना, जिन किन्नरों की खूबसूरती के बारे में हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, वो अगर सामने आ जाएं तो हम घबराने लगते हैं, जैसे कि ये हमें खा जाएंगे। अगर सच माने तो आधे से ज्यादा दुनिया किन्नरों को आम इंसान ही नहीं समझती। पर फिर भी
कोई इनके मुंह पर कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी इन किन्नरों से दूर ही रहते हैं और ये जो मांगती है इनको दे देते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि दुनिया भर से घूस लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स क्यों इन किन्नरों के सामने फीके पड़ जाते हैं? असल में दोस्तों ये कहा जाता है कि किन्नर के मुंह से निकली हर एक बात सच होती है। ये अगर किसी को सच्चे दिल से दुआ दे दें तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, लेकिन इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी और ये किसी के सामने से नाराज होकर चली गईं तो उसका बुरा वक्त वहीं पर शुरू हो जाता है। इसीलिए लोग इनसे बहस नहीं करते और इन्हें खुशी खुशी अपने घर से भेजने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों आपका किन्नरों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।